करने वाला है टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी हुई है। एक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड। तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे कौन कौन है, ये तीनों चारों एलिमेंट्स हैं नीचे। इसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं वो मर्करी और कॉपर का पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है इन्हीं के बारे में, बुक से देखते हैं। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है, दीज आर वेरी अनरिएक्टिव। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। क्या दिया है, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे मेटल के ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस्ड, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, सिर्फ हीट करके हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस सिर्फ हीट करके किया जा सकता है, रिडक्शन बाय हीटिंग अलोन, ठीक है। अब देखते हैं ये है मर्करी, मर्करी का सल्फाइड है सिनेबार, दिस इज नोन एज सिनेबार। सिनेबार को जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इस सल्फाइड का मर्करिक सल्फाइड का बन जाएगा ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सिनेबार को हीट किया, बुक में दिया है। फॉर एग्जांपल सिनेबार इट इज एन ओर ऑफ मर्करी, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू मर्करिक ऑक्साइड, उसके बाद इट इज देन रिड्यूस्ड टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। तो हम पहले जब हीट करेंगे सिनेबार को हम पहले जब हीट करेंगे तो इसका ऑक्साइड बनेगा मर्करिक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसको हम जब फर्दर हीटिंग करेंगे मर्करिक ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन पढ़ा है ना हमने। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, HgO से Hg बन गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्साइड को सिर्फ हीट किया आपने, हीट करने से आपको उसका मेटल मिल जाएगा, तो रिडक्शन बाय हीटिंग अलोन, क्लियर हो गया। इसके बाद हम लेते हैं कॉपर के लिए सिमिलर, अच्छा ये बैलेंस कर ले जल्दी से, बैलेंसिंग लिखवा दो, बोल क्या हो गया, 2HgS plus 3H2O 3O2 और 2HgO 2SO, क्लियर है ना। तो चलो अब नेक्स्ट वाला 2HgO और 2HgO, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कॉपर का, सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फाइड इन नेचर, कॉपर भी एग्जिस्ट करता है सल्फाइड, जैसे मर्करी इसका सल्फाइड था, मर्करी का सल्फाइड था, ऐसे ही कॉपर का भी सल्फाइड है आपके पास नेचर में, Cu2S। इसको जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इसका ऑक्साइड बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब ये जो ऑक्साइड बना इसको हम हीट करेंगे, बचा हुआ जो Cu2S होगा पूरा Cu2S ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा सा Cu2S रह गया होगा और आपके पास Cu2O भी है, तो कॉपर ऑक्साइड जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड है उसके साथ फर्दर हीट करने से आपको मिल जाएगा कॉपर, यही दिया हुआ है। कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2S इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर, ये रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, बोलो 3O2 2CO2 2CO2 और SO2 2, ठीक है। यहाँ पर कॉपर और 6 यहाँ पर 6 और हो गया, ये हो गया 4+2 6 2 ऑक्सीजन हो गया और सल्फर, ठीक है। तो रिडक्शन बाय हीटिंग अलोन के ये एग्जांपल्स हैं, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो मिडिल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिंक आयरन और लेड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनमें से हम जो पढ़ने वाले हैं वो जिंक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन जिंक लेड कॉपर, आयरन जिंक लेड और कॉपर, कॉपर को दोनों जगह ले लिया है, बाउंड्री पे जो होते हैं उनको वो दोनों जगह चल जाते हैं, ठीक है। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, क्योंकि मॉडरेटली रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट करके कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, कैसे, कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स।
It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfides or carbonates. हमें मेटल, हमारा एम क्या है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना. फाइनल एम क्या है हमारे पास? कि हम चाहते हैं मेटल एक्सट्रैक्ट कर लें हम. तो इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. तो क्या हम चाहेंगे कि ये जो सल्फाइड्स और ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स हैं, ये पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाए और फिर ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी होता है. समझ में आया? इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. तो हम सल्फाइड या कार्बोनेट्स को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्साइड का आगे फर्दर रिडक्शन करेंगे तो आपको मेटल मिल जाएगा. क्लियर? इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. ठीक है? देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स. अब दो तरह के अभी हमने और देखे, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर. तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं. द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. सल्फाइड ओर्स को हम एक्सेस ऑफ एयर में स्ट्रांगली हीट करते हैं. हीट करेंगे स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर. एंड दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग. एंड रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स. एस फॉर सल्फाइड, और यहां पर भी एस आ रहा है. ठीक है? सल्फाइड ओर्स के लिए क्या प्रोसेस है? रोस्टिंग. रोस्टिंग में हम हीट करेंगे एक्सेस ऑफ एयर में. ठीक है? रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए होगी और हम एक्सेस एयर में उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे सल्फाइड ओर को. एग्जांपल दिया है जिंक सल्फाइड. ये एक जिंक का सल्फाइड ओर है. इसको हम हीट करेंगे स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. तो आपको पहले मिलेगा इसका ऑक्साइड. ठीक है? और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. क्लियर? रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड ओर्स और इसमें हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. क्लियर? आगे दिया है दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग. द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर. लिमिटेड एयर में हम हीट करेंगे स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर. किनको? कार्बोनेट ओर्स को. एंड दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग कार्बोनेट ओर्स इन लिमिटेड एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन इज सी फॉर सी. ध्यान रखेंगे सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट. ठीक है? तो कार्बोनेट ओर्स के लिए क्या की जाएगी? कैल्सिनेशन किया जाएगा. कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर में हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो हमें ऑक्साइड मिल जाएगा. क्लियर? तो जिंक कार्बोनेट हमारे पास है, उसको हमने हीट किया इन लिमिटेड एयर. इसलिए यहाँ पे O2 नहीं लिखा है, प्लस O2. कुछ बुक्स में एबसेंस ऑफ एयर भी दे देते हैं. लिमिटेड एयर या इन एबसेंस ऑफ एयर हम इसको हीट करेंगे स्ट्रांगली तो आपको मिल जाएगा उसका ऑक्साइड. और क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट था इसलिए CO2 गैस रिलीज होगी. यहाँ सल्फाइड था तो SO2 गैस रिलीज हुई, इधर कार्बोनेट था तो CO2 गैस रिलीज हुई. क्लियर? तो अब आपके पास ऑक्साइड आ गया है. हमने क्या किया? हमने कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर को हीट किया. ठीक है? और हमें मिल गया ऑक्साइड. और अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करना इजी होता है. तो अब हम ये जो हमें मिल गया ऑक्साइड, दोनों ही जिंक ऑक्साइड ही है. जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिडक्शन कर सकते हैं. दोनों के बाद कॉमन रिएक्शन होगा. इन दोनों रिएक्शंस के बाद कॉमन रिएक्शन जिंक ऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे. कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है. बताओ क्या होगा? हमें जिंक मिल जाएगा ऑक्साइड से. ZnO का रिडक्शन हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. पढ़ा ना रिडक्शन? रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है? तो यहाँ ZnO से Zn बन जाएगा और C का क्या बन जाएगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होती है वैसे. सॉरी, ये सॉलिड. क्लियर? तो देखते हैं बुक से. द मेटल ऑक्साइड देन रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन. तो इनको हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके साथ आप रिएक्ट कराओगे तो आपको मिल जाएगा जिंक. व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, हीट करेंगे. व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन तो रिड्यूस हो जाएगा टू मेटालिक जिंक. क्लियर? क्लियर हो गया? बोलो, समझ में आ गया? यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन इन चैप्टर 1. ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस. यहाँ पे बैलेंस मैंने नहीं किया अभी, जल्दी से बैलेंस करवा दो. ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 ही है. बोलो फटाफट. 2ZnS. 2ZnS तो यहाँ पे 2 हो गया. ठीक है? और वाटर, वाटर 2. क्लियर? ZnCO3.
ऐसे तो रहेगा, बैलेंस्ड ही है और ये भी बैलेंस्ड ही है। आगे देखते हैं, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, अभी हमने क्या किया, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाया यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, हमने क्या किया, ऑक्साइड से मेटल बनाया यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब आगे क्या दिया है, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन आल्सो बी यूज्ड। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे कैसे मेटल हमें मिलेगा। अभी तक हमने किया कार्बन से रिडक्शन, ठीक है, हमने सल्फाइड या कार्बोनेट ओर को हमने हीट किया तो हमें मिला ऑक्साइड, और ऑक्साइड का हमने रिडक्शन किया विद कार्बन। आगे देखते हैं, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन आल्सो बी यूज्ड, ठीक है, कार्बन के से रिडक्शन करने के बजाय हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी यूज कर सकते हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या क्या बोला है, सोडियम सोडियम कैल्शियम और एल्यूमिनियम, हम इसमें से एल्यूमिनियम को लेने वाले हैं और इसको हम यूज करेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट, ए एल को हम यूज करेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट। इससे पहले हमने किसको यूज किया था एज रिड्यूसिंग एजेंट, अभी जस्ट किसको, कार्बन को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था। अब हम रिएक्टिव मेटल जैसे एल्यूमिनियम इसको हम यूज करेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 को हमने हीट किया किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में, एल्यूमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो Mn को ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है, MnO2 से क्या बन गया Mn, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, MnO2 से Mn बन गया, रिडक्शन हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन Al से Al2O3 बन गया, और साथ में यहाँ पे बहुत सारी हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ये, ठीक है। When manganese dioxide is heated with aluminium powder, the following reactions takes place. Clear है? MnO2 से बन जाएगा Mn, यहाँ पे हुआ reduction, loss of oxygen, Al से बन गया Al2O3, यहाँ पर gain of oxygen, oxidation, plus heat release होगी. Can you identify the substances that are getting oxidized and reduced? बताओ, substance getting oxidized is aluminium and substance getting reduced is manganese dioxide. These displacement reactions are highly exothermic. Lot of heat will be generated. Exo means release. So lot of heat is released. ठीक है, highly exothermic reaction होता है, इसलिए आपको यहाँ पर manganese liquid state में मिल रहा है, देखो liquid state में मिल रहा है क्योंकि ये exothermic reaction है, ठीक है, तो आपको ये liquid state में मिलेगा। आगे बहुत important reaction है thermite reaction, ये जो नीचे लिखा हुआ है this is known as thermite reaction. Thermite reaction बहुत important reaction है, इसको अच्छे से कर लेना। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, ये जो रिएक्शन होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, आपको इन रिएक्शन में इतनी हीट रिलीज होगी कि जो मेटल मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म है, मोल्टन स्टेट में मिलेगा, क्लियर। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3, आयरन थर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 3 है, ठीक है, आयरन हैज वेरिएबल वैलेंसी, Fe2O3 में अगर हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, हीट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ में, तो दिस रिएक्शन इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। हमने आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट किया तो हमें मिल जाएगा आयरन, यहाँ पे बताओ क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, Fe2O3 से Fe बन गया तो रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और Al से बना Al2O3, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर हीट, बहुत हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आपको क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज तो आपको ये लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में मिलेगा, मोल्टन स्टेट में आपको मिलेगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। इसको बैलेंस और कर ले हम, Fe2 है तो हाँ 2 हो गया, और
ये टू है, और कुछ हो गया? बैलेंस हो गई है।